कि साले ये अवैध है, ये अवैध है, कुछ अवैध ना आएगा हिंदुस्तान में। साले ने कहीं नोटबंदी कर दी, कहीं देखो जो है सरकारी सब जो है जितनी संस्थाएं सब बेच दी, फिर जो है अब अवैध दिखाई दे रहे हैं। जब बेरोजगारी हो रही है तो जो मुद्दा लेके आए अवैध है, अवैध है, कुछ अवैध नहीं है दिल्ली में। 5 साल से क्यों ना डूब रहे साले जो है, अब आ रहेंगे, अब जब MCD का चुनाव हार रहेंगे। गाली तो मत दीजिए। अरे तो बनाए ना बैठे, हराम का रुपया मारे बैठे, जोर पटरी नहीं लगाए तो कमाएंगे कैसे, रोजी रोटी हमारी कैसे चलेगी। नाम क्या भैया जी? मेरा नाम नदीम है। आपका क्या नाम है भैया जी? मेरा नाम महबूब है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जावेद। अच्छा, नाम क्या है जी भैया? मोहम्मद अफजाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान लाइव। दिल्ली में है सीलमपुर के अंदर। बता देते कि आपको MCD की तरफ से अवैध अतिक्रमण पर जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, लोगों से हम जा करके राय ले रहे हैं और इसी को बात को लेकर के हम यहाँ पर सीलमपुर के लोगों से ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, क्या ये सही हो रहा है या फिर कुछ गलत हो रहा है? अरे भाई, जब MCD के चुनाव आ रहे हैं तो जो है ना दिखाई दे रहा है कि अवैध जगह है और 5 साल से कहाँ पर डूब रहे हैं ये। 5 साल से क्यों ना हटाई है अवैध? बड़े नाराज लगते हैं आप। यार नाराज की बात है कि केजरीवाल अच्छा करे, केजरीवाल जब अच्छा करे जब ही यहाँ कटाक से कूद गए कि साले ये अवैध है, ये अवैध है, कुछ अवैध ना आएगा हिंदुस्तान में। जब भुखमरी फैली आएगी हिंदुस्तान में, बेरोजगारी फैली है, तो जो है तमाम तो साले ने कहीं नोटबंदी कर दी, कहीं देखो जो है सरकारी सब जो है जितनी संस्थाएं सब बेच दी, फिर जो है अब अवैध दिखाई दे रहेंगे। जब बेरोजगारी हो रही है तो जो मुद्दा लेके आए अवैध है, अवैध है, कुछ अवैध नहीं है दिल्ली में, कुछ अवैध नहीं है, नहीं कुछ अवैध नहीं आएगा दिल्ली में। सब गरीब आदमी रहता है दिल्ली में और गरीब, अरे अवैध तो है नेता लोगों का घर, एक एक बीघे में साले बनाए बैठे हैं, एक एक बीघे में। गाली तो मत दीजिए। अरे तो बनाए ना बैठे, हराम का रुपया मारे बैठे हैं, हराम का रुपया मारे बैठे हैं। कौन 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 मारे बैठे हैं? ये नेता लोग जो MP MLA सभी मारे बैठे हैं, सब सबकी प्रॉपर्टी पहले गरीब की जब्त कर रहे हैं, पहले इनकी तो जब्त कराओ, CBI जांच होना चाहिए नेता लोगों की। रुपया है किस पे? नेता लोगों पे, मैच वालों पे, फिल्मी दुनिया वालों पे, और किस पे? गरीब आदमी तो साला कुत्ते की तरह पैदा कर रहा आएगा, खा रहा आएगा बस। अच्छा सुनिए, एक और बात सुनने में मिलती है, कहते हैं कि जहाँ पर मुस्लिम वोट है उसी एरिया को ज्यादातर टारगेट किया जा रहा है, सच है या झूठ? हम हिंदू मुसलमान कुछ ना जानेंगे, हम सब एक जानते होंगे, सब एक होंगे। ये तो नेता लोगों ने करा दिया हिंदू मुसलमान, नेता ने करवाया है आजादी, जो हिंदू मुसलमान दोनों ने दिलवाई है। ये नेता लोग जो है अपने कुर्सी के चक्कर में, चूतरों के नीचे कुर्सी रहती है ना इनके, 5 साल AC में बैठते हैं। गरीब से तो पूछो, जो गरीब बेचारा जो है कैसे रोड पर जो है धूपों में मारा मारा फिर रहा है और कैसे कैसे पैदा कर रहा है खाना है, और जो आपने आराम से कुर्सी बैठ के झूला झूल रहे हैं साले। नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। भैया, जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है MCD की तरफ से चलाया जा रहा है अवैध अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण को लेकर के, क्या कहना चाहते हो, सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, तो बिल्कुल गलत हो रहा है ये। अब ये पता नहीं कैसे क्यों चलाएं बुलडोजर कि अब से अवैध जगह अब से नहीं है, सबके जो है ना बहुत पुराने नहीं है यहाँ पर। हम पुराने बंदे, हम भी रहने वाले हैं, अगर मेरे पिताजी यहाँ की है तो मैं क्या करूँ, यहाँ कहाँ जाऊँ मैं? सिर्फ मेरा अगर यहाँ मकान है तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे दूसरे मकान तो है नहीं, मेरे माँ बाप यहीं के हैं, मेरे पिताजी यहाँ की है, हम कहाँ, सब हमारा काम यहीं पर है, तो हम कहाँ जाएँ? नाम क्या भैया जी? मेरा नाम नदीम है। हाँ जी, नदीम। हाँ जी, यहीं पे रहते हो? हाँ जी, यहीं रहता हूँ। और काम क्या करते हो भैया? मेरा भाई ये लगा रहा हूँ, ठेली लगा रहा हूँ, चिकन कबाब, मेरा चिकन कबाब काम है यहाँ पर ही। और मैं अब से नहीं लगा रहा, मेरे को 8-9 साल यहाँ हो गए लगाते हुए, मेरे बच्चे हो गए, 12-13 साल लड़की है मेरी एक, उसके कहाँ लेके जाऊँगा मैं? मेरे पिताजी जी कहीं यहाँ पर ही, मेरे पिताजी हैं, मैं पढ़ा यहाँ, बड़ा यहाँ पर, अब मैं कहाँ जाऊँगा? आगे टूटेंगे तो ये अभी चल रहा है। ये सरकार को ये कहना चाहिए कि हाँ, अगर पुराने बंदे हैं तो उनको उनको जगह दी जाए, ऐसी जगह कि हाँ वो अपने सेफ रहें। आपका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आपको जगह दी जाए जहाँ पर आप सेफ रह सके। बिल्कुल, ऐसी जगह पर के दो पैसे कमा के बच्चों को भी पाल पूल सके। आपका क्या नाम है भैया जी? मेरा नाम महबूब है। महबूब, आप भी मुस्लिम है? हाँ। अच्छा, क्या कह रहे थे भैया जी आप?
हम ये कह रहे थे जगह की जगह बदले, अगर कहीं दूसरी जगह दी जाए कि ये जगह ये लगा कि बेकार है, यहाँ से इसको हटा दिया जाए तो यहाँ के बदले कहीं और जगह दे दी जाए, इतनी सी जितनी जगह है ये कभी कि यहाँ पर भाई यहाँ नहीं अपना कहीं आपका काम चल सके, कि जहाँ पर ये हो कि ये बाजार है कि पब्लिक रोज आए वहाँ पर कि अपने 200-300 का हमारे से ले जाए, जिसमें 100-200 हमारे को ही मिल जाए, जो हम भी दाल चावल अपने यहाँ पका सकें। जरूर नहीं मटन चिकन चाहिए, मटन चिकन वाले तो नहीं है, अगर मटन चिकन वाले को तो शूज बूट अलग ही होते हैं, हम नहीं हैं ऐसे, हम अपने यहाँ धंधा पानी कर रहे हैं, 50 रुपये का पीस बेच रहे हैं, 50 रुपये में कमा क्या रहे हैं, 5 रुपये 15 रुपये 20 रुपये 10 रुपये। कितने साल से लगा रखी है आपने? हाँ तो भाई ठीक है, तो हमारे 9-10 साल हो गए, बाकी हम तो यहाँ तो बचपन गुजर गए, हमारी पैदाइश यहीं की है, हम यहीं पले हैं, यहीं बड़े हुए, यहीं घर है, सब कुछ यहीं है। अच्छा भैया एक बात तो बता दीजिए, सरकार कौन सी चाहते हैं? दोबारा से इलेक्शन भी आ रहे हैं MCD की। सरकार वो चाहिए जो गरीबों की हो, अमीरों का तो पैसा है, गरीबों का ना तो पैसा है, ना भगवान है, ना सरकार है। जरा बता तो दीजिए कौन सी अच्छी लगती है जी? हमें कोई मतलब नहीं है MCD में, तो आपको पता है कि भाजपा है। केजरीवाल ठीक है। सुनिए भैया जी, जो बिजली थी अब सभी को फ्री भी नहीं मिलेगी, फ्री भी मतलब नहीं है, लेकिन केजरीवाल हमारे साथ में बहुत बढ़िया कर रहा है, केजरीवाल ही चाहिए हमारे को बस, डन। अरे बता तो दीजिए कुछ खासियत तो बता दीजिए केजरीवाल। बात ये है कि बिजली पानी उन्होंने बहुत सुविधा कर दी है हमारे लिए, स्कूल बहुत बढ़िया है, मेरी बच्ची पढ़ती थी स्कूल के अंदर MCD में, मैं पढ़ा MCD में, मैं MCD स्कूल में, मैं खुद पढ़ाऊँ, मैं खुद पढ़ा MCD के अंदर, और मैं इतना ऐसा पढ़ाऊँ कि MCD के अंदर स्कूल बहुत बेकार था उस टाइम पे, लेकिन अब ये MCD के अंदर ऐसे स्कूल बन गए ना, बहुत बड़े स्कूल बन गए हैं। अब मेरी लड़की ये पढ़ती है ना, वो उसमें कैमरे की सुविधा इतनी लग गई कि पहले तो अब कैमरे थे नहीं, लेकिन अब केजरीवाल भाई साहब ने बहुत बढ़िया कर दिया ये। तो आप चाहते हैं MCD में भी केजरीवाल? अच्छा भैया बता दीजिए अपना, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जावेद जी। देखिए जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है MCD की तरफ से चलाया जा रहा है पूरी दिल्ली के अंदर, बहुत सारी जगह है जहाँ पर चल भी चुका, और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर नाम है कि वहाँ पर चलने वाला है, क्या लगता है ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं भाई? क्या लगता है आपको, क्या लगता है भैया? देख हम तो आप जैसे लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी राय लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वहाँ के भाई। अनऑथराइज होगा तो सही गलत है, मतलब सही चल रहा है अनऑथराइज होगा तो, और अगर अनऑथराइज नहीं है तो गलत है, जाहिर सी बात है, गलत चल रहा है भाई, आप समझे नहीं। अगर अनऑथराइज जगह पे है तो सही चल रहा है, और अगर अनऑथराइज जगह पे नहीं है तो फिर सही चल गलत है, सीधी बात है भैया। रेडी भी लगा रखी है, आपको पता है रोड पे लगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो क्या कह रहे हैं भाई, सबके साथ में जो सबके साथ जाएंगे कहाँ, पटरी वाले हैं जाएंगे कहाँ भाई, हम तो गरीब है, तो मजदूरी कर रहे हैं भाई, ये तो हमें करने ही है, हटाने कैसे है, जो अपनी कमा रहा है रोजी रोटी कैसे कमाएगा, जो आराम चलेगा हट जाएंगे। अच्छा नाम क्या है जी भैया? मोहम्मद अफजाल। अब जान जी क्या लगता है, गलत कर रहे हैं फिर MCD वाले? भाई MCD वाले गलत है, मतलब हम तो केजरीवाल की सरकार सही है, सही है हाँ, और मतलब ये जब हम ये रोड पे पटरी पे लगा रहे हैं, जो पटरी पे नहीं लगाएं तो कमाएंगे कैसे, रोजी रोटी हमारी कैसे चलेगी, रोजी रोटी कैसे चलेगी। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि भैया जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण किया है लोगों ने वहाँ पर चल रहा है तो सही है, उन लोगों को क्या कहोगे आप? वो तो सही है, अवैध है तो हटनी चाहिए, अवैध नहीं है तो वो तो गलत है हाँ। चलिए अच्छा एक बात और बता दीजिए, अब की बात सरकार कौन सी देखना चाहेंगे MCD? केजरीवाल। कुछ खास बात तो बता दी, खास बात भाई यही है, पानी और बत्ती ये इसमें आसानी है, सही है पानी बत्ती और बस में लेडीज वो फ्री जा रही है इसमें, और क्या आराम है, यही आराम है, हर चीज की आराम है केजरीवाल की हर चीज में खुश है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ पर मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम बहुमूल्य वोट है, वहाँ पर ज्यादा बुलडोजर चल रहा है, यह बात कहाँ तक सही लगती है? नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब वो अवैध है, अवैध है तो हटनी चाहिए, और जो गलत जगह है जैसे कॉलोनी बसी है वो सही है, जैसे कॉलोनी है कॉलोनी वाले जाएंगे कहाँ, वो भाई कॉलोनी वाले तो बसे हैं जो, तो वो वहीं रहेंगे, उनको हटना नहीं है, आप ये है जो हटनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस मसले का हल करना चाहिए, जिनकी रेडी लगी है या फिर किसी ने ऐसे रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको जगह दी जाए? हाँ बिल्कुल जगह दी जाए, जो वो हट रही है उसकी जगह दी जाए, ये कहना चाहते हैं? हाँ बस ये।